नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी फिफ्टी के बारे में, और निफ्टी फिफ्टी में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब के बारे में हम उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस उनके एनालिसिस करेंगे और पूरे उनके मतलब अच्छे से लॉजिक समझेंगे कि मतलब कौन से स्टॉक में किस तरह का बिहेवियर होने वाला है, कौन से स्टॉक में तेजी आने वाली है, कौन से स्टॉक में मंदी आने वाली है। उससे पहले हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। तो देखिए निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने मतलब यहां पर जो है जबरदस्त मूव एक दिखाई है। देखिए आज जो है सवेरे मॉर्निंग टाइम में गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद जो है कुछ टाइम तक मतलब कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया। उसके बाद मार्केट जो है साइड बेज हो गई, रेंज मतलब वहां पर रेंज बन गई थी और रेंज ब्रेकआउट होने के बाद एक जबरदस्त यहां पर मूव हमको देखने को मिली है। देखिए मैंने आप लोगों को निफ्टी फिफ्टी का चार्ट भी मैंने आप लोग टेलीग्राम चैनल में अपडेट मैंने कर दिया था। वहां पर मैंने दो एरो बनाकर दिए थे और नीचे का जो एरो था वहां पर जो है निफ्टी फिफ्टी आया ही नहीं और ऊपर का जो है एरो की तरफ ब्रेक हुआ और वहां से हमको एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिली थी। तो फाइनली यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम जो है निफ्टी ने आज जो हाई लगाया है वो 13,885 का लगाया है। मे बी ये बहुत एक अच्छा हाई इसको हम कह सकते हैं। और देखिए हम यहां पर कुछ अपने ट्रेड की भी चर्चा करेंगे। देखिए हम ट्रेड की चर्चा निफ्टी फिफ्टी में हमने एक ट्रेड लिया था और फाइनली देखिए ये मूव देखकर हमने जो है बाद में वो ट्रेड भी हमने काट दिया था। देखिए मैंने आज जो आप लोगों को एनालिसिस जो मैंने करके बताई थी, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको जो चार्ट पोस्ट किया था वो चार्ट कुछ इस तरह का था। देखिए इस तरह से मैंने आपको चार्ट पोस्ट किया था और मैंने बताया था कि ये जिस तरफ भी ब्रेक करे, एक एरो मैंने आपको यहां पर नीचे की तरफ बना के दिया था कि मतलब ये नीचे की तरफ अगर यहां ये लेवल ब्रेक करे मींस 13,810 का लेवल ब्रेक करे तब हमको सेल के लिए लेना है। अगर ये लेवल ब्रेक ही नहीं करेगा तो अब सेल के लिए क्यों जाएंगे। अब मैंने दूसरा एरो मैंने आपको यहां पर बता के दिया था कि मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तब आप ऊपर की तरफ जो है बाइंग के लिए जा सकते हैं। सो फाइनली देखिए ऊपर की तरफ का लेवल ब्रेक हुआ और जो कुछ जो लेवल ब्रेक है वो 13,830 के आसपास ब्रेक हुआ और यहां पर जो हमको हाई देखने को मिला वो 13,884 का, मींस हमको यहां पर 50 से 55 पॉइंट की हमको वन साइडेड मूव हमको यहां पर देखने को मिली। तो देखिए यहां पर मतलब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमको मतलब किन सपोर्ट पे काम करना है और किन रजिस्टेंस पे काम करना है, कौन से सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से सपोर्ट हमारे लिए मे बी एक मतलब एक छोटा सपोर्ट है और कौन से सपोर्ट जो है मतलब एक हर्डल के रूप में काम कर सकते हैं, ये सब चीजें हमको यहां पर देखनी होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं कल के बारे में। बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक्स सॉरी निफ्टी की हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे यहां पर कि मतलब कल की क्या हो सकता है। तो अब देखिए मैं आप लोगों को लिए यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा और ये ट्रेंड लाइन देखिए मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन पकड़ रहा हूं। एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें बहुत लॉजिकल चीजें बताने वाला हूं। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन आपके लिए यहां पर हमारे लिए क्या काम कर रही है, ठीक है। अब यहां से देखिए ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हो रहा है और यहां से जब भी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट आ रहा है तो बाउंस बैक हो जा रहा है, फिर यहां पर ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट आया फिर यहां से बाउंस बैक हो गया, फिर यहां पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट आया फिर यहां से बाउंस बैक हमको देखने को मिला। अब फाइनली देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार हम फिर दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर खड़े हैं और इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए हमको एक यहां पर डोजी कैंडल यहां पर मिल चुकी है, यहां पर अगेन एक डोजी कैंडल मिल चुकी है, मीन्स हम यहां पर एक दोबारा एक बार बाउंस बैक कर सकते हैं। सो मतलब कल के लिए बुल रन के लिए तैयार रहिएगा, यहां पर हम कल जो है एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। सो देखिए अब यहां पर जो लेवल इंपॉर्टेंट है मैं आपको लेवल बता देता हूं, 13,885 13,885 इस टाइम इसके लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और 13,885 को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे हम यहां पर 13,950 के लेवल हम यहां पर बहुत जल्दी देखेंगे। सो यहां पर अब मैं देखिए आपको दो तीन में एनालिसिस यहां पर बता देता हूं। देखिए जब तक हम यहां पर ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम बुलिश है, अगर मे बी यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहां पर नीचे तक आ सकते हैं। कहां तक आ सकते हैं, 13,780 के लेवल तक आ सकते हैं। सो ध्यान यहां पर नजर बनाकर रखिएगा। दूसरा देखिए अगर यहां पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो गैप अप ओपनिंग में आप जो है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ऊपर जो है एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आप 5 मिनट के कैंडल का लो लगा सकते हैं। देखिए वो एक रिस्की एंट्री होगी, अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है तो वहां पर प्राइस एक्शन का वेट करिए। अगर यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मे बी अगर गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल तक होती है, मान लीजिए अगर ये जो लेवल है 13,810 13,820 के आसपास यहां पर अगर आपको निफ्टी मिलती है तो आप यहां पर क्लियर कट बाइंग कर सकते हैं और मे बी अगर आपको यहां पर कुछ बैड न्यूज आ जाती है निफ्टी में और आपको निफ्टी यहां पर मिलती है 13,780 के आसपास तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी यहां पर बाइंग के लिए, क्योंकि एक तो हमारा यहां पर जो आज गैप जो क्रिएट हुआ था ये गैप फिल हो चुका होगा। देखिए गैप जो फिल होगा वो 13,750 के आसपास होगा बट इस लेवल के आसपास हमको यहां पर एक बेस्ट एंट्री मिल सकती है। सो कल नजर बनाकर रखिएगा 13,885 के लेवल पर, जैसे 13,885 का लेवल क्रॉस करेगा मैं तो एंट्री ले लूंगा और अपने ग्रुप में भी मैं मतलब इसकी एंट्री में डाल दूंगा। चलिए अब बात करते हैं
निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक रेंज में काम कर रहा है, 480 ऊपर की रेंज थी और नीचे की नियर अबाउट 460 के आसपास थी। तो फाइनली देखिए आज यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, बट जो है सेकंड सेशन में यहाँ पर जो है सेलिंग आ गई। बट अब हम यहाँ पर जो है कल 485 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं 490 और 495 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट्स, तो एशियन पेंट्स देखिए फाइनली यहाँ पर जो एक मेरे को हर्डल दिख रहा था, जो मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का निशान लगा के रखा हुआ है, तो ये हर्डल मेरे को 2660 के आसपास दिख रहा था। तो फाइनली मैंने बताया था 2660 के ऊपर हम जो है बाइंग करेंगे। तो चलिए 2660 का लेवल क्रॉस हुआ, 2680 का टारगेट दिया था, टारगेट भी आज का अचीव हुआ। सो यहाँ पर अब कल क्या कर सकते हैं, 2685 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। हमारा टारगेट जो यहाँ पर रहेगा 2710 और 2735 का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक के बारे में, तो मैंने वीडियो बना दी है, बैंकिंग की वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो मैंने देखिए इसको ब्रेकआउट स्टॉक में भी दिया था कि यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। कहाँ बाइंग कर सकते हैं, 3360 और 70 के आसपास मैंने यहाँ पर आपको बाइंग बताई थी। तो फाइनली देखिए 3370 का लेवल इसने निकाला और जो है इसका जो हाई जो आज लगा है वो 3422 का लगा है। अब देख लिए हमारे पास जो प्रीवियस हाई है वो 2423 का है और आज का जो हाई है वो 3422 का है। मीन्स हम इस दोनों हाई जो है हमारे ऑलमोस्ट सेम है। अब कल के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर 3425 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग, 3425 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग इसको 3500 के टारगेट के लिए लेकर जाएगी। तो कल इस पर नजर बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस के लिए देखिए पहले मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं। ये सारी मेरी इंट्राडे की एनालिसिस होती हैं जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके एक्चुअली रखता हूँ। सो यहाँ पर एक बार देखिए इसका हाई अभी क्रॉस होने दीजिए। यहाँ पर देखिए जो इसका हाई लगा हुआ है वो हाई लगा है 5300, तो एक बार 5300 इसको निकलने दीजिए। उसके बाद हम हमको यहाँ पर जो है कंटिन्यू 3 से 4 दिन हमको बाइंग देखने को यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा देखिए बजाज फिंजर्व, तो बजाज फिंजर्व देखिए यहाँ पर 2 दिनों से कंटिन्यू रेड कैंडल यहाँ पर बना रहा है। मे बी यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है अगर ये 8970 का लेवल ब्रेक करता है। अगर ये 8970 का लेवल ब्रेक कर नीचे की तरफ 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो आप यहाँ पर जो है 50 पॉइंट कम से कम 0.5% सेल के लिए जा सकते हैं। टारगेट आप यहाँ पर टारगेट बड़ा रखिएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा सा रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बीपीसीएल, तो बीपीसीएल मैंने यहाँ पर देखिए आपको बताया था ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद देखिए फाइनली इसने जो इसका रेजिस्टेंस था वहीं पर आके सपोर्ट लिया, हैमर कैंडल बनाया और कंटिन्यू ऊपर की तरफ। तो फिलहाल इसको जो है 385 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं 390 और 392 रुपए के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल के देखिए इसके लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ था मैं आपको रेजिस्टेंस लिए दिखा देता हूं। दोनों हाई यहां पर सेम लगे हुए थे, मीन्स 523 के और 24 के आसपास के दोनों हाई लगे हुए थे। आज भारतीय एयरटेल ने निकलने की कोशिश की यहां से, बट यहां से जो है क्रॉस कर नहीं पाया। अब यहां पर कल अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो 527 रुपए के ऊपर यहां पर एंट्री ले सकते हैं, 532 और 537 हमारे यहां कल के टारगेट होंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया के लिए देखिए यहाँ पर जो हर्डल है मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से एक चैनल में काम कर रहा है, देखिए एक असेंडिंग चैनल में काम कर रहा है और जो असेंडिंग चैनल जब भी डाउन ट्रेंड में बनते हैं तो मे बी वहां पर एक शार्प ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने की संभावना होती है। सो यहाँ पर अगर ये 3580 के नीचे क्लोज कर देता है तो आप यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं, टारगेट हमारा यहाँ पर 3500 रुपीज होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया, तो कोल इंडिया अभी कोल इंडिया में मेरा कोई व्यू नहीं है, उसको भी रहने दीजिए। नेक्स्ट है हमारा डीवी स्लैब, तो डीवी स्लैब में नजर बनाकर रखिएगा। देखिए जितने भी फार्मा स्टॉक हैं सब में नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि फार्मा स्टॉक्स आने वाले डे में बूम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको बाइंग करनी है तो आप 3790 रुपए के ऊपर इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं, टारगेट यहाँ पर हमारा 3850 होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा आइशर मोटर, तो आइशर मोटर के बारे में यहाँ पर देखिए मैंने एनालिसिस करके रखी हुई है, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है अभी ट्रेंड लाइन इसके लिए हर्डल बनी हुई है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करते तब तक हम यहाँ पर इसी तरह से सस्टेन होते रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे की तरफ हम जाते रहेंगे। सो इस ट्रेंड लाइन पर नजर बना के रखिए, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये लेवल ब्रेक होता है 2500 का लेवल, तो यहाँ पर हम क्लियर कट बाइंग करने वाले हैं, टारगेट हमारा यहाँ पर 2600 और 2700 है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गेल, तो चलिए गेल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गेल के बारे में मैंने बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई है फाइनली देखिए इसने आज जो है ऊपर निकलने की कोशिश की है ट्रेंड लाइन से और ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है सस्टेन नहीं कर पाया, मींस मतलब क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ पाई। देखिए गेल में हम बहुत पहले के हम यहाँ पर एंटर हुए पड़े हैं, हम यहाँ पर 85-86 के आसपास हमने यहाँ पर एंट्री ले रखी हुई है और अभी भी हमने यहाँ पर 30% क्वांटिटी यहाँ पर होल्डिंग में रखी हुई है। और फाइनली देखिए जब भी अब ट्रेंड में इस तरह से फ्लैग पैटर्न टाइप के बनते हैं तो वहां पर एक जो है जबरदस्त मूव की संभावना होती है। देखिए क्या होता है, एक अप ट्रेंड में जब भी इस तरह से कुछ मूव हमको दिखाई देती है तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है और मे बी वहां पर एक छोटा सा करेक्शन होता है और करेक्शन करने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलती है। मार्केट कभी भी एक रॉकेट के साइड सीधी दिशा में मूव नहीं करती है, मार्केट जिग जैग पैटर्न में चलती है। तो
तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक में भी नजर बनाकर रखिएगा, यहां पर आप जो है बाइंग कर सकते हैं 935 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर, 935 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प, तो हीरो मोटोकॉर्प में अभी मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने देखिए यहां पर ब्रेकआउट बहुत अच्छा यहां पर देके रखा हुआ था, बट आज जो यहां पर जो ब्रेकआउट था उस सारा ब्रेकआउट डाइजेस्ट हो गया, मतलब आज की जो कैंडल थी इसने जो है मतलब पिछले दिन का सारा मूव आज मतलब डाइजेस्ट कर लिया है। अब यहां पर देखिए जो आपको एंट्री लेनी है वो 2410 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर लेनी है, 2410 रुपए की क्लोजिंग कल अगर मिलती है आपको 15 मिनट की कैंडल, एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल हो 2410 रुपए के ऊपर क्लोज कर जाए, फिर वहां पर आप एंट्री के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी लिमिटेड, तो एचडीएफसी लिमिटेड के लिए यहां पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई है ये इसके लिए देखिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। जब जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा लॉजिकल मैं बात करूंगा, जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रही है बाउंस बैक कर रही है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आती है देखिए बाउंस बैक करती है। अब इसके लिए देखिए यहां पर जो हर्डल बना हुआ है 2510 का लेवल है, 2510 का लेवल जैसे ही निकालेगा हम यहां पर एक बहुत जबरदस्त मूव देखने वाले हैं। टारगेट मेरा यहां पर 2600 और 2700 का है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईटीसी, तो आईटीसी में ये देखिए जो मैं ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई है ये ट्रेंड लाइन को निकलने दीजिए, ट्रेंड लाइन जैसे ही निकलेगी हम यहां पर बाइंग करने वाले हैं। अब देखिए 215 के ऊपर, या तो 215 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए या तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोज कर दे। अगर यहां पर रिस्की ट्रेडर है तो यहां पर आप 211 रुपए के ऊपर एंट्री ले सकते हैं 215 रुपए के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईओसी, तो आईओसी देखिए यहां पर हम 3 दिन से कंटिन्यू यहां पर तेजी देख रहे हैं। अब हम जो है कल के लिए भी तेजी के लिए हम देखेंगे 92 के ऊपर यहां पर एंट्री ले सकते हैं, 93-94 पे हमारा यहां पर जो है टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील, तो जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए ये मैंने आपको जो है मतलब टेलीग्राम चैनल में भी दिया हुआ था कि यहां से ब्रेकआउट हो सकता है, और फाइनली देखिए स्टॉक में आज जो है ब्रेकआउट हो गया है। आज वैसे मेरी इस स्टॉक पर नजर नहीं पड़ी, मैं अभी ये चार्ट में खोल के ओपन करके देख रहा हूं तब मुझे पता चल रहा है कि जेएसडब्ल्यू में भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो फाइनली यहां पर देखिए बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। अब यहां पर जो है आप एंट्री या तो 386 के आसपास ले सकते हैं या तो थोड़ा सा रीटेस्ट होने दीजिए इसको, यहां पर 375 और 380 के बीच में अगर आपको एंट्री मिलती है तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो जाएगा, 362 के स्टॉप लॉस, 363 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एलटी, तो एलटी के लिए देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो देखिए इसी लेवल के आसपास बार बार आके जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार ये लेवल निकलने दीजिए, 1300 का लेवल निकलने दीजिए, 1300 का लेवल निकलेगा तो यहां पर हम लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट हमारा जो है इंट्राडे के लिए 1340 रुपए होने वाला है। देखिए मैं यहां पर जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूं, जो भी चीजें बता रहा हूं वो सारे इंट्राडे के हैं, यहां पर मैं कोई पोजिशन नहीं बता रहा हूं। जो भी पोजिशन मैं बताऊंगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरा, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं बैंक निफ्टी की मैं कंटिन्यू कॉल्स वहां पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में देता रहता हूं, वहां पर निफ्टी की बैंक निफ्टी की सारे जो है चार्ट पोस्ट कर देता हूं, इंट्राडे के चार्ट पोस्ट करता हूं, आधे आधे एक एक घंटे पे आप लोगों को चीजें बताते रहता हूं कहां पे अभी सपोर्ट लेवल पे है, रेजिस्टेंस लेवल पे है, कहां पे ट्रेडिंग कर रहा है, कौन सा ब्रेकआउट होने वाला है, कहां से क्या हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर कंटिन्यू बताते रहता हूं। सो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चार्ट को देखकर काफी कुछ सीख सकते हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मारुति, तो मारुति देखिए इस टाइम यहां पर जो हमने नीचे से ट्रेंड लाइन ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करके रखी हुई है इसी के पास देखिए फर्स्ट टाइम आकर पहले यहां से बाउंस बैक हुआ है, अब ये दूसरी बार इसी लेवल के आसपास है और मे बी यहां से बाउंस बैक हो सकता है। सो यहां पर जो है 7550 के ऊपर नजर बनाकर रखिएगा, 7550 के ऊपर निकलेगा तो हम इस ट्रेंड लाइन तक जा सकते हैं 7650 तक, तो 100 रुपए का टारगेट के लिए यहां पर जो है आप जो है कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा नेस्ले, तो नेस्ले भी देखिए हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स की लिस्ट में है, तो यहां पर देखिए एक बार हमको देखिए नेस्ले में क्या चाहिए, 18850 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। जब तक हमको 18850 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक इसमें हम देखिए ना पोजिशन में हम लॉन्ग करेंगे और ना ही हम इंट्राडे में लॉन्ग करेंगे। सो एक बार 18850 के ऊपर ही क्लोजिंग आ जाती है फिर यहां पर उसके हाई के ऊपर जो है आप लॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ओएनजीसी के किसी हमारे फ्रेंड ने जो है यूट्यूब में भी पूछा था ओएनजीसी के बारे में, तो ओएनजीसी की हम यहां पर जो है एनालिसिस करेंगे, थोड़ी अच्छी से एनालिसिस करके बता देंगे अपने उनको। तो यहां पर देखिए हमारे यहां पास जो है नीचे की तरफ से जो ट्रेंड लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं इसका सपोर्ट हमारे पास इसी लेवल के कहीं आसपास है, और फाइनली देखिए इसी लेवल के आसपास जो है 85 के लेवल से यहां पर बाउंस बैक हुआ है। सो यहां पर हमको जो क्लोजिंग चाहिए वो 96 के ऊपर की एक बार क्लोजिंग चाहिए, 96 के ऊपर सस्टेन होना चालू कर देता है तो हम यहां पर टारगेट जो है 105 का बहुत जल्दी देखेंगे। सो ओएनजीसी में भी नजर बनाकर रखिएगा, 96 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 105 तक क्लियर कट लेकर जाने वाली है। सो ओएनजीसी देखिए अब
यहां पर देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा, यहां पर एक मैंने ट्रेंड लाइन ये देखिए, जो मैं कर्सर देखिएगा, मैंने यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी, और ये स्टॉक मैंने शायद अपने टेलीग्राम चैनल में भी दिया था। जी हाँ, मैंने इसको मैंने 83 82 पर दिया था। 82 पर करने के बाद हमने 100 के आसपास इसको बुक भी करा दिया था। सो देखिए, अपनी जो एंट्री होती है वो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर लीजिए। एंट्री ऐसी जगह लीजिए जहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो, बहुत माइनर सा हो, कि अगर आपके 3 या 4 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड, आपकी वो 4 के 4 जो है स्टॉप लॉस आपके कवर करना चाहिए, और इवन आपको जो है प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए, ठीक है ना। सो एंट्री आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि मतलब आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक हो, और स्टॉप लॉस से हिट करने के लिए मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़े। मतलब देखिए, आप स्टॉप लॉस इस तरह के रखा करिए कि मतलब जब आपके परफेक्ट लेवल पे स्टॉप लॉस होंगे ना, तो क्या होगा, मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए। इतनी जल्दी आपका स्टॉप लॉस नहीं खा पाएगी कि आपने अभी एंट्री ली और 2 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आपको आप जो है मार्केट को वेट कराओगे अपना स्टॉप लॉस देने के लिए। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ही मतलब नजदीक में कहीं स्टॉप लॉस रख दोगे, तब भी स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज्यादा होते हैं। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पावर ग्रिड। तो जब तक ये ट्राइंगल पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक यहां पर अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। फिलहाल अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहां पर 193 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट यहां पर 195 होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस। तो रिलायंस के लिए देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, मैं इसको डार्क करूंगा और आप लोगों को एनालिसिस करके यहां पर बताऊंगा। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है, अब यहां पर देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम आज जो इसने टेस्ट किया है वो 5वीं बार जाकर यहां पर टेस्ट किया है, ठीक है। सो यहां पर देखिए, लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है। अब एक चीज और बताता हूं कि जब लेवल बार बार टेस्ट होने लग जाते हैं तो वो लेवल जो है वीक होने लग जाते हैं। अब देखिए, यहां पर एक लेवल यहां पर और मिल गया, 6 टाइम्स यहां पर जो है एटलीस्ट यहां पर टच हो चुका है। सो मे बी यहां पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, नजर बनाकर रखिएगा। 2030 के ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा मैं यहां पर एंट्री लूंगा। यहां पर टारगेट मेरा 2080 के आसपास रहेगा। 50 पॉइंट्स का टारगेट यहां पर इंट्राडे में मिल सकता है अगर 2030 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ में देखिए, फाइनली यहां पर ब्रेकआउट दे दिया आज। यहां पर भी देखिए, हमारी पक्की नजर बनी हुई थी, तो फाइनली यहां पर देखिए 880 के ऊपर, यहां पर मैंने बताया था कि जैसे ही 880 के ऊपर की क्लोजिंग करेगा वैसे ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो फाइनली 880 के ऊपर जैसे ही निकला है, देखिए कितनी जबरदस्त बूम हुई है। देखिए यहां पर चीजों को समझिए, मैं आपको चीज समझाता हूं। देखिए, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नवंबर से लेकर दिसंबर, ये 2 महीने तक ये कंटिन्यू एक रेंज में इसने सस्टेन किया है। ऊपर की रेंज थी 880 रुपए और जो नीचे की रेंज थी वो 830 रुपए थी। मीन्स 50 पॉइंट्स की रेंज थी और 50 पॉइंट्स में ही कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, 2 महीने तक कंटिन्यूस रेंज में रहा। अब फाइनली इसने अब रेंज ये ब्रेक कर दिया है। सो ये जो आज की जो क्लोजिंग आई है, 900 के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। सो यहां पर जो एंट्री करना एक मतलब पागलपन होगा या मूर्खता होगी, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है ना। इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए आप ट्रेड मत करिए। अगर आपको मान लीजिए यहां से प्रॉफिट लेना है, मान लीजिए 20 पॉइंट 25 पॉइंट 50 पॉइंट इंट्राडे में लेना है, तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो यहां पर एक बार इसको रीटेस्ट होने दीजिए। देखिए, मेरी जो लैंग्वेज है, मैं क्लियर कट बोलता हूं, साफ बोल देता हूं, ठीक है ना, बात का बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। सो देखिए, मैं कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, मे बी 5% 6% की कैंडल बन गई, तो उसके हाई पर जाकर उनके मतलब मन में लॉजिक ये है कि मतलब हाई पर ट्रेड लेना है, तो उसके हाई पर जाकर ट्रेड लेते हैं, बट वो अपना रिस्क नहीं देखते हैं। देखिए, हमको सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। हम किसी भी ट्रेड में एंटर होते हैं तो हमको सबसे पहले अपना रिस्क पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है। अगर हम इस ट्रेड को हम कर रहे हैं तो मान लीजिए मैं 20 पॉइंट के लिए जा रहा हूं, तो मेरा वहां पर स्टॉप लॉस कितना है, मैं वहां पर कितने, मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी की कोई ऑप्शन ही ट्रेड कर रहा हूं और एक लॉट कर रहा हूं, तो एक लॉट में मान लीजिए मेरा टारगेट जो है 50 पॉइंट है। अब मेरे को वहां पर पहले यह देखना है कि 50 पॉइंट प्रॉफिट के लिए मैं कितने पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं 50 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं या फिर 100 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 50 पॉइंट के रिस्क साथ आप 50 पॉइंट प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं, ये 1:1 हो जाएगा, बट आप 50 पॉइंट प्रॉफिट के लिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना एक बेवकूफी होगी। ये अपना पैसा देने वाला काम है, लेने वाला काम नहीं है, ठीक है ना। सो यहां पर लॉजिकली ट्रेड करिए। अगर आप ट्रेड सीखना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इंट्राडे की टेक्निक सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, सो आप हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हम जो है पर्सनल ट्रेनिंग देंगे। पर्सनल ट्रेनिंग में आप लोगों को ऐसे लाइव जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूं, वैसे पर्सनल ट्रेनिंग में हम जो है अपने स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाते हैं, लॉजिकल चीजें बताते हैं, इंट्राडे में जो टेक्निक्स काम करती हैं वो सारी चीजें बताते हैं और बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप हमको 9871837600 पर व्हाट्सअप करके और जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉक है हमारा श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट के लिए देखिए यहाँ पर बताया हुआ है मैंने कि ये जब तक ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक नहीं होता, या तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए या फिर ये सपोर्ट जो है 23,400 का जो सपोर्ट लगा हुआ है ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम बायर बनेंगे और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो हम यहाँ पर सेलर बनेंगे। सो पहले इसको लेट इट ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सन फार्मा। तो सन फार्मा भी हमारे जो है ब्रेकआउट स्टॉक्स की लिस्ट में है हमारे। तो यहां पर देखिए मैंने बताया था कि ये एंट्री यहां पर अगर आपको लेनी है तो 585 के आसपास की एंट्री मिलती है तो ये बेस्ट एंट्री होगी। सो फाइनली देखिए आज का जो लो लगा है वो 585 के आसपास लगा है। सो यहां पर जो अगर आपने एंट्री ली होगी तो अच्छा है क्योंकि यहां से ब्रेकआउट कर सकता है, ऊपर की तरफ निकल सकता है, ब्रेकआउट तो हो चुका है, ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे सकता है। यहां पर स्टॉप लॉस जो है आप 570 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीसीएस। तो टीसीएस भी देखिए फाइनली यहां पर ब्रेकआउट दे चुका था और कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही निकल रहा है, बट यहां पर अभी वॉल्यूम यहां पर हमको कंफर्म नहीं कर रहा है। जब तक वॉल्यूम की कंफर्मेशन यहां पर नहीं आ जाती तब तक हम यहां पर पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, इंट्राडे के ट्रेड हम यहां पर ले सकते हैं, एक दो ट्रेड इंट्राडे के हम कर सकते हैं, वो भी अपने जो है देखिए कंफर्मेशन के साथ ही हम करते हैं, विदाउट कंफर्मेशन हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में देखिए यहां पर जो हाई लगा हुआ है 960 का, तो 960 का लेवल निकलने दीजिए। 960 का लेवल निकलता है इंट्राडे में तो यहां पर 970 और 980 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। टाइटन, तो टाइटन फाइनली देखिए मैं आप लोगों को कितने दिनों से मैंने इसको ब्रेकआउट स्टॉक्स में, नियर ब्रेकआउट स्टॉक्स मतलब जो भी ब्रेकआउट करने वाले हैं जो मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट में थे, ये मैंने वॉच लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी और आपको यहां पर क्लियर कट बताया था कि 1525 की क्लोजिंग के ऊपर हम यहां पर एंट्री लेंगे। सो अगर जिन लोगों ने यहां पर इंट्राडे में ट्रेड किया होगा मैं उम्मीद करता हूं अच्छे पैसे यहां पर बनाए होंगे। टारगेट यहां पर 1545 का मैंने दिया हुआ था तो यहां पर 1547 का हाई लगा। अब एक बार इसको 1550 के ऊपर निकलने दीजिए तब इंट्राडे में ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो मे बी इसको एक बार 1525 के पास रीटेस्ट करने आने दीजिए, यहां पर आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल। देखिए वीडियो आज काफी लंबी हो गई, देखिए यूपीएल में फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक होने दीजिए। देखिए इंट्राडे में हम यहां पर ट्रेड ले सकते हैं बट यहां पर टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा, सो यहां पर रिस्क नहीं लेना है हमने। सो यहां पर अभी इसको ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक होता है उसके बाद हम यहां पर ट्रेडिंग के लिए देखेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। तो विप्रो के लिए देखिए यहां पर एक आज एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक और यहां पर बन गई है। देखिए जो कल यहां पर मैंने आपको बताया था कि इनसाइड कैंडल यहां पर बनी हुई है, एक कैंडल और बन गई, मतलब ये कैंडल कन्फर्म कर रही है हमारे ट्रेड को, मींस मतलब ये इनसाइड कैंडल एक और बन गई। इसका मतलब ये है कि अब जैसे ही ये 388 का लेवल क्रॉस होगा हम 400 का लेवल में भी हम इंट्राडे में ही देख लेंगे, 4-5% की मूव हम यहां पर देखने वाले हैं जिस दिन भी 388 का लेवल क्रॉस करेगा। इसको अपनी नजर पर रखिएगा, नजर बनाकर रखिएगा, इस स्टॉक में हमको एक बेहतरीन मूव मिल सकती है क्योंकि एक तो ये फार्मा स्टॉक है, दूसरा एक बहुत अच्छे पैटर्न के साथ यहां पर सेटअप यहां पर बना हुआ है। सो इस पर नजर बनाकर रखिएगा। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।